आप 100 MCQs पे मुश्तमिल कोई भी पेपर देखें, चाहे वो PPSC का हो, FPSC का हो, या कोई भी NTS, UTS वगैरह का पेपर हो, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। और उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड लॉक कंट्रीज। हर अगर आप पेपर्स देखें तो हर तीसरे चौथे पेपर में भी लैंड लॉक कंट्रीज से रिलेटेड सवाल आए ही होते हैं। तो लैंड लॉक कंट्रीज कौन से कंट्रीज हैं? लैंड लॉक कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनके साथ समंदर नहीं लगता, यानी उनका अपना साहिल नहीं होता, उनके पास बंदरगाहें नहीं होती। इसकी वजह से वो दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं ट्रेड के लिए। उन्होंने कोई भी अगर चीज़ बाहर से मंगवानी है या अपनी कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो उन्हें उन ममालिक से अपनी चीज़ें गुजारनी पड़ेंगी जिनके साथ समंदर लगता है। जैसे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, अफगानिस्तान ने कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो वो पाकिस्तान के जरिए करेगा या ईरान के जरिए करेगा, क्योंकि इनके साथ समंदर लगता है। तो लैंड लॉक कंट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो ये है कि टोटल कितने लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो टोटल लैंड लॉक कंट्रीज हैं 44। और सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री भी है और सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री भी है, यानी रकबे के लिहाज से कजाकिस्तान सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क भी है, लैंड लॉक कंट्री भी है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया का भी सबसे बड़ा मुल्क कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जो कि रशिया और चाइना के दरमियान। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा है। तो डबल लैंड लॉक कंट्री का क्या मतलब है? लैंड लॉक का तो आपको मतलब पता है कि वो कंट्री जिसके साथ समंदर नहीं लगता, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अगर कोई ऐसा मुल्क हो कि उसके साथ समंदर नहीं लगता लेकिन उसके साथ यानी उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनके साथ भी समंदर नहीं लगता, तो उसे डबल लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो डबल लैंड लॉक कंट्री से रिलेटेड जो ऑप्शन ज़्यादातर आता है वो है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और उसके अलावा ये डबल लैंड लॉक कंट्री भी है। इसके अलावा लेक्टेनस्टाइन एक यूरोप में कंट्री है, वो भी डबल लैंड लॉक कंट्री, यानी वो खुद तो उसके साथ समंदर नहीं लगता, उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनके साथ भी समंदर नहीं लगता। तो डबल लैंड लॉक कंट्री कौन से हैं? लेक्टेनस्टाइन और उज़्बेकिस्तान। और अगर हम देखें कि सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वैसे भी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। और अगर लैंड लॉक कंट्री देखें तो वो भी सबसे छोटा वेटिकन सिटी ही है। तो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है और उस सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। और अगर हम कॉन्टिनेंट्स के एंगल से देखें तो सबसे बड़ा एशिया में लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान, और अफ्रीका में है चाड, और यूरोप में है बेलारूस, और जो है साउथ अमेरिका उसमें सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है बोलीविया। तो लैंड लॉक कंट्री जो है उसको काफ़ी नुकसान भी होता है, उसको तिजारत के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, फिर उन कंट्रीज़ की बात भी माननी पड़ती है अपनी तिजारत को सही तरीके से करने के लिए। आपने ये याद रखना है कि कंपटीशन एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन घुमा के भी आए तो आपने उसको ये नहीं समझ लेना कोई नया क्वेश्चन है, या उस पर कन्फ्यूज़ होके गलत नहीं आंसर लगा लेना। उसके क्वेश्चन को समझना है और उसे भी सही आंसर को आपने टिक करना है। लाइक क्वेश्चन हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान है। मुस्लिम लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ा कौन सा है, यानी इस्लामी सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो वो भी कजाकिस्तान है। इसी तरह सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है वो भी कजाकिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा भी कजाकिस्तान है। तो जितना भी वो घुमा के क्वेश्चन को पूछें, आपने क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद सही आंसर तक पहुँचना है।